नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक और वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यू हॉलैंड के 4710 ट्रैक्टर के बारे में। दरअसल किसान भाइयों, जो ट्रैक्टर है 47 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, काफी बढ़िया, काफी अच्छा ट्रैक्टर है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको एक 47 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए, तो ये ट्रैक्टर आपके लिए काफी बढ़िया रहेगा। चलिए और डिटेल में हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। शुरुआत करते हैं ट्रैक्टर की कीमत से। इस ट्रैक्टर की जो कीमत है तकरीबन 6,20,000 से लेकर तकरीबन 7,80,000 के बीच में रहती है। कीमत जो प्लस माइनस हो सकती है, ये जो कीमत है मैं आपको टू व्हील ड्राइव फोर व्हील ड्राइव दोनों ही वेरिएंट की बता रहा हूँ। इसके बीच में कहीं ना कहीं प्राइस जो रहती है आपके ऊपर डिपेंड करती है प्राइस। अगर आप अच्छे वेरिएंट के साथ, अच्छे ऑप्शंस के साथ ट्रैक्टर को लेते हैं तो ट्रैक्टर कहीं ना कहीं आपको महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल वेरिएंट के साथ ट्रैक्टर को लेते हैं या फिर आप कम बजट वाले वेरिएंट के साथ ट्रैक्टर को लेते हैं तो ट्रैक्टर कहीं ना कहीं आपको सस्ता मिलेगा। तो चलिए और डिटेल में हम बात करते हैं ट्रैक्टर के बारे में। शुरुआत करते हैं ट्रैक्टर के इंजन से। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, जो ट्रैक्टर है 47 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, काफी बढ़िया, काफी दमदार इसमें आपको इंजन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको सिम्पसन टाइप का इंजन देखने को मिल जाता है। इसका जो मॉडल नंबर है मैं आपको स्क्रीन पर दे देता हूँ। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के इंजन की कैपेसिटी के बारे में, तो इस ट्रैक्टर का जो इंजन है तकरीबन 2700 cc की पावर जनरेट करता है। इस ट्रैक्टर का जो इंजन है तकरीबन 2250 rpm जनरेट करता है। इसमें आपको 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। काफी बढ़िया तरीके से न्यू हॉलैंड कंपनी ने इस ट्रैक्टर का इंजन डिजाइन करा है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के एयर क्लीनर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको ऑयल बाथ टाइप विद प्री क्लीनर वाला एयर क्लीनर देखने को मिल जाता है। काफी बढ़िया एयर क्लीनर ये माना जाता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के कूलिंग सिस्टम के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको वाटर कूल्ड कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। काफी बढ़िया कूलिंग सिस्टम है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के क्लच के टाइप के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल डुअल क्लच दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। काफी बढ़िया क्लच का ऑप्शन जो इसमें आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन टाइप के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको फुल्ली कॉन्स्टेंट मैच वाला ट्रांसमिशन टाइप देखने को मिल जाता है। काफी अच्छा, काफी हैवी ड्यूटी गियरबॉक्स जो है इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के गियर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड गियर मिल जाते हैं, 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। टोटल 10 गियर जो है इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। काफी बढ़िया गियर जो है इसमें आपको देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर की स्पीड के बारे में। अगर हम बात करें 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर पे इसकी स्पीड के बारे में, तो इस ट्रैक्टर की जो फॉरवर्ड गियर पे स्पीड है वो तकरीबन 3 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से लेकर तकरीबन 33 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से ट्रैक्टर भाग सकता है फॉरवर्ड गियर पे। अगर हम बात करें ट्रैक्टर की रिवर्स गियर की स्पीड के बारे में, तो जो ट्रैक्टर है तकरीबन 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से लेकर तकरीबन 13.3 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से भाग सकते हैं। काफी अच्छी स्पीड इसमें आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप इस ट्रैक्टर को लोड वगैरह पे भी यूज करेंगे तो भी ये काफी अच्छी स्पीड देता है। अगर हम बात करें 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स गियर पे इस ट्रैक्टर की स्पीड के बारे में, तो ये जो ट्रैक्टर है तकरीबन 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर तकरीबन 32.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। काफी अच्छी स्पीड इसमें आपको फॉरवर्ड गियर पे देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर की रिवर्स स्पीड के बारे में, तो जो ट्रैक्टर है तकरीबन 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर तकरीबन 34.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। रिवर्स गियर पे भी इसमें आपको काफी बड़ी स्पीड देखने को मिल जाती है। अगर आपको ट्रैक्टर को पडलिंग वगैरह के पर्पज से यूज करना है, अगर आपको रिवर्स गियर पे भी काफी अच्छी स्पीड चाहिए, तो आप 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स गियर पे इस ट्रैक्टर को ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको उतने ज्यादा रिवर्स स्पीड नहीं चाहिए, अगर आपको नॉर्मल ट्रैक्टर का यूज है, तो आप 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर के साथ इस ट्रैक्टर को ले सकते हैं। अगर आप 8 फॉरवर्ड 8 रिवर्स गियर के साथ इस ट्रैक्टर को लेंगे, तो ट्रैक्टर जो है कहीं ना कहीं आपको महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर के साथ इस ट्रैक्टर को लेंगे, तो ट्रैक्टर जो है आपको बजट में मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको मैकेनिकल रियल ऑयल इमर्स्ड ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। काफी बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम है। इसमें आपको तेल में डूबे हुए ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। काफी अच्छे तरीके से ब्रेकिंग सिस्टम परफॉर्मेंस देता है। ये जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है काफी लो मेंटेनेंस माना जाता है। फिलहाल ये ब्रेकिंग सिस्टम थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर के स्टीयरिंग टाइप के बारे में। तो ट्रैक्टर में आपको मैकेनिकल और पावर स्टीयरिंग दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। काफी बढ़िया स्टीयरिंग टाइप इसमें आपको देखने को मिल जाता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, आपके बजट पर डिपेंड करता है। अगर आपको ट्रैक्टर का काम ज्यादा है तो आप पावर स्टीयरिंग के साथ इस ट्रैक्टर को ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के बारे में। तो ट्रैक्टर में जो आपको 62 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। एवरेज जो इस ट्रैक्टर का ठीक ठाक है। अगर आप ट्रैक्टर को ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस में यूज करते हैं, ज्यादा हैवी काम के लिए यूज करेंगे, तो एवरेज जो है ट्रैक्टर उतना अच्छा नहीं देगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल काम के हिसाब से ट्रैक्टर को यूज करेंगे, तो एवरेज ये ट्रैक्टर काफी बढ़िया देगा। ट्रैक्टर का एवरेज जो है परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लेंगे तो एवरेज कम मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप नॉर्मल परफॉर्मेंस लेंगे तो एवरेज जो काफी बढ़िया देगा। अगर आप देखें तो एवरेज जो है बाकी ज्यादा ट्रैक्टर के हिसाब से काफी बढ़िया ट्रैक्टर देता है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी देता है। 62 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के हिसाब से काफी बढ़िया फ्यूल टैंक की कैपेसिटी इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर की लिफ्ट के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर की मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में, तो ट्रैक्टर की जो मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो तकरीबन 1500 किलोग्राम। काफी बढ़िया लिफ्टिंग कैपेसिटी जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। इस ट्रैक्टर में आपको 3 पॉइंट लिंकेज वाली लिफ्ट देखने को मिल जाती है। काफी बढ़िया जो लिफ्ट है परफॉर्मेंस देती है।
इसमें आपको जो है काफी बढ़िया सेंसिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसमें आपको लिफ्ट ऑटोमेटिक एंड मल्टी सेंसिंग पॉइंट देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी बढ़िया माने जाते हैं। अगर आप हार्ड मिट्टी वगैरह पे ट्रैक्टर को यूज करेंगे कल्टीवेटर वगैरह पे तो ये जो ट्रैक्टर है सेंस कर लेता है और उस हिसाब से परफॉर्मेंस देता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल मिट्टी पे ट्रैक्टर का यूज करेंगे तो ट्रैक्टर जो है ये वो भी सेंस कर लेगा और उस हिसाब से परफॉर्मेंस देगा। तो काफी बढ़िया लिफ्ट जो है ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर के पीटीओ के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के पीटीओ के टाइप के बारे में तो ट्रैक्टर में आपको 6 स्प्लिन शाफ्ट वाला पीटीओ टाइप देखने को मिल जाता है। काफी बढ़िया पीटीओ टाइप जो इसमें आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर के पीटीओ के आरपीएम के बारे में तो ट्रैक्टर जो पीटीओ तकरीबन 540 आरपीएम जनरेट करता है। काफी बढ़िया आरपीएम जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाते हैं। इस ट्रैक्टर में जो आपको रिवर्स पीटीओ भी देखने को मिल जाता है, इसमें आपको ग्राउंड पीटीओ भी मिल जाता है और इसमें आपको एप्ट्रा पीटीओ भी देखने को मिल जाता है। काफी बढ़िया पीटीओ टाइप जो इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो इस ट्रैक्टर को जो आप अलग अलग इंप्लीमेंट पे काफी आसानी से यूज कर सकते हैं। काफी अच्छा ट्रैक्टर का जो पीटीओ परफॉर्मेंस देता है। अगर हम बात करें ट्रैक्टर पीटीओ के हॉर्स पावर के बारे में तो इस ट्रैक्टर जो पीटीओ तकरीबन 43 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। काफी ज्यादा हॉर्स पावर जो इस ट्रैक्टर पीटीओ जनरेट करता है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। आप नॉर्मल रोटावेटर थ्रेशर जैसी मशीनरीज काफी आसानी से इस ट्रैक्टर के पीटीओ की मदद से यूज कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट आपको थ्रेशर वगैरह पे इस ट्रैक्टर का यूज करना है तो ट्रैक्टर काफी बड़ी परफॉर्मेंस देता है। और पडलिंग वगैरह पे आप चाहें तो इस ट्रैक्टर पे रोटावेटर का भी यूज कर सकते हैं। बाकी अदर काम के हिसाब से भी आप इस ट्रैक्टर को पीटीओ की मदद से यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर के टायर के साइज के बारे में। अगर हम बात करें टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के टायर के साइज के बारे में तो इस ट्रैक्टर का जो फ्रंट टायर का साइज है इसमें आपको 6.5x16 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। काफी बढ़िया टायर साइज जो है इसमें आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें पिछले टायर के साइज के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 13.6x28 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 14.9x28 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। काफी बढ़िया टायर साइज इसमें आपको देखने को मिल जाता है। चलिए हम बात करते हैं फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के टायर के साइज के बारे में तो इस ट्रैक्टर में जो आपको 9.5x24 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। काफी अच्छा टायर साइज है। अगर हम बात करें फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के पिछले टायर के साइज के बारे में तो इसमें भी आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 13.6x28 का टायर साइज देखने को मिल जाता है और इसमें आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 14.9x28 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। काफी बढ़िया टायर साइज जो इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपको ट्रैक्टर का काम ज्यादा, अगर आपको ट्रैक्टर ज्यादा रनिंग पे यूज करना है तो आप 14.9x28 का टायर साइज ले सकते हैं। पिछले टायर के साइज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको केवल घर के पर्पज के हिसाब से ट्रैक्टर चाहिए, आपको ट्रैक्टर को उतना ज्यादा यूज नहीं है, तो आप 13.6x28 का टायर साइज ले सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप बड़ा टायर साइज लेंगे तो ट्रैक्टर की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप छोटा टायर साइज लेंगे तो ट्रैक्टर की जो कीमत है कम हो जाएगी। फिलहाल किसान भाइयों, ट्रैक्टर में जो आप एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा आप बड़े टायर साइज के साथ इस ट्रैक्टर को लीजिएगा। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर के डायमेंशन वेट के बारे में। मैं इसमें आपको टू व्हील ड्राइव फोर व्हील ड्राइव दोनों ट्रैक्टर के डायमेंशन वेट बता देता हूँ। अगर हम बात करें टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के डायमेंशन वेट के बारे में तो ट्रैक्टर जो टोटल वजन है वो तकरीबन 1965 किलोग्राम। अगर हम बात करें ट्रैक्टर की ओवरऑल लंबाई के बारे में तो वो तकरीबन 3400 mm। ओवरऑल चौड़ाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 1725 mm। व्हील बेस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 1955 mm। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 425 mm। अगर हम बात करें फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के डायमेंशन वेट के बारे में तो ट्रैक्टर जो टोटल वजन है वो तकरीबन 2255 mm। ओवरऑल लंबाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 3400 mm। ओवरऑल चौड़ाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 1740 mm। व्हील बेस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2005 mm। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 370 mm। तो काफी बढ़िया ओवरऑल साइज जो है टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का, फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर का आपको देखने को मिल जाता है। ट्रैक्टर की लंबाई उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन चौड़ाई जो है ट्रैक्टर की कहीं ना कहीं ज्यादा है। काफी अच्छा, काफी बढ़िया तरीके से जो है न्यूलैंड कंपनी ने इस ट्रैक्टर को डिजाइन करा है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसमें आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है और व्हील बेस भी जो है इस ट्रैक्टर में आपको काफी बढ़िया मिल जाता है। तो फिलहाल किसान भाइयों, इतनी जानकारी न्यू हॉलैंड के 4710 ट्रैक्टर के बारे में। ये जो ट्रैक्टर काफी बढ़िया, काफी दमदार ट्रैक्टर है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने अपना चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।